जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की जो क्लास है वह स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप MPGL प्रहरी परीक्षा है इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लें। और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लगा के यहां पर आप अपना जो अनुभव कर सकते हैं कि आप कितने नंबर आपके लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज खरीदते समय सबसे पहले आपको याद रखना है एक कोड, उसमें पूछा जाता है जब आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो सेल्फ SC40 ए कोड अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए 40% ऑफ में यहाँ पर आपके लिए सीरीज मिलेगी। तो आपको सेल्फ SC40 जो कूपन कोड है यह अवश्य यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यह क्लास। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है यह होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, अनुदैर्ध्य। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर है बी। जिन्होंने भी बी बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो सत्य बताना है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। रंजीत जी, हर्ष जी सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, सभी लोग बताएं। शिवानी जी, सौरभ जी, संध्या जी, दिव्या जी, क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो चार विकल्प है आपके सामने और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। पुष्पा जी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर माधुरी जी, रंजीत जी, कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वह होती है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। क्वेश्चन नंबर तीन का 20 हर्ट्ज से कम आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। जिन्होंने भी ये बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए अपश्रव्य तरंगों 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे हमारे जो कान नहीं सुन सकते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति बताना है अब यहाँ पर, अब पराश्रव्य तरंगों की बताना है आपके लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। चार विकल्प हैं और आपके सामने कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति है तो कितनी है इनकी आवृत्ति, तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है कि पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती कि मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है, इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को
क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे, जो है पराश्रव्य कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार का, सॉरी पांच का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पराश्रव्य तरंगे ध्वन जो तरंगे हैं, इनको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है या नहीं, इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जो पराश्रव्य तरंगे हैं यह मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगे यह आपने ऊपर ही पढ़ लिया है। और अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी सीटी बजाकर जो उत्पन्न किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छह है यहाँ पर कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। न्यूटन ने, या गाल्टन ने, या हर्टल ने, या फैराडे ने। तो बताइए सौरभ जी, रंजीत जी, संध्या जी, बबली जी, क्या है इसका राइट आंसर। माधुरी जी, पुष्पा जी, क्वेश्चन नंबर छह है यहाँ पर, और छह का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है बी। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है, गाल्टन ने। गाल्टन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना पर का प्रयोग करते हैं। तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं यह बताना है। ध्वनि का अपवर्तन, या विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर सात का सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर सात का यहां पर राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग राइट आंसर बताएं। और इसका जो यहां पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी होगा यहां पर राइट आंसर। उमेश जी बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, प्रतिध्वनि का निर्धारण। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किरणों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार क्या लाया जाता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर। रंजीत जी, पुष्पा जी, कोमल जी, सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है प्रयोग में, क्वेश्चन नंबर सात का यहां पर राइट आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर सात है यहां पर, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। बिल्कुल सही लोकेश जी, अल्ट्रासोनिक तरंग आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के उपयोग में लाया जाता है, यह तो पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है। तो यह बताना है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग, या आयाम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर बताना है। चार विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं क्या होगा। अनिल सिंगर, न्यू श्रीराम स्टूडियो, तो क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ का सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे सौरभ जी, कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आपका यहां पर जो राइट आंसर है वह क्या है, और आपका राइट आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है यहाँ पर, आवृत्ति उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, किसका उपयोग किया जाता है, कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो माधुरी जी, उमेश जी, लोकेश जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। पराश्रव्य तरंग, या ऑक्जेलिक अम्ल, या पराश्रव्य, या कार्बन डाइऑक्साइड।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, परास्रव्य तरंग। परास्रव्य तरंग पुष्प लता जी आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, परास्रव्य तरंग जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, यह बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है आपका डी यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। हाँ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, तो आपका क्या राइट आंसर होगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार लोकेश यादव जी क्या है इसका राइट आंसर? कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, तो किसके कारण नहीं सुनाई पड़ता? क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, उमेश जी क्या है राइट आंसर? दिव्या राठौर जी। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, इसका जो कारण है वह है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्या कारण है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पर हवा वायुमंडल नहीं है, आवाज को जगाने के लिए आवाज को जाने के लिए माध्यम की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों यह बताना है, क्यों उड़ सकती है अंधेरे में? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का, एक बार रिप्रेस कर दें, रिप्रेस। क्या है इसका राइट आंसर? कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ नहीं, सॉरी उड़ उड़ सकती है, क्यों उड़ सकती है यह बताना है। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल प्यूपिल जो है बहुत बड़ा होता है, या वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं, या कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का वह सी, सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। इस प्रकार विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो बताइए क्या होगी ध्वनि की चाल? विकल्प नंबर आपके सामने चार दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। रंजीत पाल जी क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वह होगा आपका विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी में 332 मीटर सेकंड आपका जो है राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, स्टील में, वायु में, निर्वात में, या जल में? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15 जुगल किशोर जी। तो क्या है इसका राइट आंसर? कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो क्या है इसका राइट आंसर सभी लोगों को यहां पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रविंद्र कुमार जी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, स्टील में। स्टील में आपका यहाँ पर सही आंसर है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो स्टील में आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। देखिए ध्वनि तरंगे हवा की तुलना में स्टील के माध्यम से 17 गुना तेज
तेजी से यात्रा करते हैं। स्टील में ध्वनि की सटीक गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जर सुनाई देती है, इसका कारण है? तो क्या कारण है यह बताना, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहां पर। हाँ अंजलि जी, क्वेश्चन नंबर 16 कि बादलों की जो बिजली है वह चमक के काफी समय के बाद बादलों की गर्जर सुनाई जो है पड़ती है, इसका कारण बताना है। तो इसका जो कारण है वह है विकल्प नंबर डी कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो यह बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो कितना है यह बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा 332 मीटर सेकंड जो है आपके यहाँ पर वह राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक लोकेश धाकड़ जी, लोकेंद्र धाकड़ जी ने बिल्कुल सही बताया, 332 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, तो ठोसों से तरल में, गैस बात में, तो चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 18 होगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर क्या है सभी लोग बताएंगे, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, तो जुगल किशोर जी क्या है, दीपका यादव जी, सौरभ जी, उमेश जी, संध्या सेन जी, क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह है क्या है, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुष्पलता जी विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। किसी माध्यम हवा जल लोहा में ध्वनि प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा निर्वात में सबसे कम चाल होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, या भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 नीतू अहिरवार जी, सिद्धार्थ शुक्ला जी, क्या है इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 से इसका राइट आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 19 है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, यह याद रखना है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम हो रहेगी, हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा, तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर, आरती चौधरी जी, क्या है इसका सही आंसर, उमेश जी, अनिल जी, क्वेश्चन नंबर 20 है सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताएं और एक बार वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, लोहा आपका यहां पर राइट आंसर होगा, लोहा जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही स्नेहा शर्मा जी, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है यह बताना है सर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर,
सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, या वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, लोकेंद्र धाकड़ जी, बिल्कुल सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान और आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताओ, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से कम चाल में, या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, सौरभ जी, बबली जी, रंजीत पाल जी, अंजलि जी, क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, दिव्या जी। तो कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, और आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाँ, नीतू अहरवाल जी, विकल्प नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल में, यह आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग बताएं कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर है जो, वह है आपका विकल्प नंबर डी। मेक संख्या आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मेक संख्या मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, या अंतरिक्ष यान के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, उमेश जी, स्नेहा जी, आरती जी, रंजीत जी, सौरभ जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है, वायुयान के। वायुयान के आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फॉन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। लोकेंद्र जी, इसका राइट आंसर कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका, क्या है, रविंद्र कुमार जी, वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, डेसिबल में। डेसिबल में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है तो 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 60 सॉरी 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है, आखिरी क्वेश्चन है।
सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। पवन कुशवाहा जी, नीतू अहरवार जी की साधारण बातचीत से ध्वनि की तीव्रता होती है, तो बताना है कितनी होती है। आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका 30 से 40 डेसिबल आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। देखिए, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल, तथा जेट विमान के तरंग की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल होती है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे। सभी लोग बताएं, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? कौन सी श्रेणी में रखा जाता है यह बताना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हाँ बिल्कुल सही रोहित प्रजापति जी। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक यानी कि प्रोटोजोया आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। जिन्होंने बताया है एक, उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए, जो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोया श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? क्वेश्चन नंबर दो है, सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर। आकाश जी, सपना जी, रवीना जी, सरस जी, उमेश जी, नरेंद्र जी, बारूद, सक्षम जी, तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दो है कि निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर दो। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अमीबा। अमीबा जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है अमीबा, आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चप्पल की आकृति का जंतु है, तो क्वेश्चन नंबर तीन है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, चप्पल की आकृति का जंतु है तो कौन सा है? चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर तीन का, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान के। और क्वेश्चन नंबर तीन है, चप्पल की आकृति का जंतु है, तो यहाँ पर पारु कुशवाहा जी और नरेंद्र जी, इसका जो राइट आंसर है आपका वह विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है पैरामिशियम। पैरामिशियम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पैरामिशियम, जो पैरामिशियम एक जलीय प्रणाली है, जलीय प्राणी है जो चप्पल की आकृति का होता है, यह आपके लिए याद रखना है। अमीबा का प्रचलन अंग है, अमीबा का प्रचलन अंग बताना है। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर चार है यहाँ पर, सभी लोग बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए वहीं पर पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है पीडीएफ की, तो सॉरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है अवश्य ज्वाइन कर लें। अमीबा का प्रचलन अंग है वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। संध्या जी, विकल्प नंबर सी यानी कि कूटपाद आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही सरस यादव जी, विकल्प नंबर सी कूटपाद याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोया के नाम से जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है यह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर बताना है। हरा प्रोटोजोया के नाम से जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताते जाएं। क्या है इसका राइट आंसर? तो हरा प्रोटोजोया के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर पांच का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा, विकल्प नंबर कौन सा है यहाँ पर? विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, युगलीना। युगलीना यहाँ पर याद रखना है आपके लिए, युगलीना। युगलीना विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है युगलीना।
देखिए, यवलीना को हरा प्रोटोजोया कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कली के रूप में जाना जाता है, अमीबा, योगलीना, प्लाज्मोडियम या पैरामिशियम। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर होगा, चार विकल्प है आपके सामने, और वह है आपका विकल्प नंबर बी। आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा योगलीना। योगलीना जिन्होंने भी बताया विकल्प नंबर बी, उनका राइट आंसर है बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, योगलीना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ जाता है, आंत को, गला, अमाशय या फेफड़ा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है यह बताना है, कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, आंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, आंत, आंत याद रखना है, विकल्प नंबर 1। देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोया एक रोगजनक परजीवी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया है, यहाँ पर उत्तरदायी लिखा है, तो उत्तरदायी प्रोटोजोया है कौन सा है, पेचिस के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया है अमीबा, एंट अमीबा या पैरामिशियम या ट्रिपैनोसोमा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है कि पैचेस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर एंट अमीबा, जिसने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा एंट अमीबा, एंट अमीबा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोया है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोया है कौन सा है, चार विकल्प हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर, पैरामीशियम या लिस्मेनिया या प्लाज्मोडियम या एंट अमीबा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरविंद जी, शिवानी जी, सक्षम जी, सुशील जी, कांति जी, तपन जी, पारो जी, आकाश जी, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोया है तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर है सी, विकल्प नंबर सी प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम, याद रखना है विकल्प नंबर सी। देखिए, मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रमित रोगों में से एक है तथा भयंकर जनस्वास्थ्य समस्या है, यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोया परजीवी के माध्यम से फैलता है, याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोया है तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोया है कौन सा है, चार विकल्प है आपके सामने, जल्दी से आंसर बताते जाएं। एंटमीबा, ट्रिपो पेनोसोमा या ट्राइकोमोनास या लिस्मोनिया। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर अशोक जी, मयंक जी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग पैदा करता है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, निद्रा रोग पैदा करता है
तो चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। निद्रा रोग पैदा करता है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निद्रा रोग पैदा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, बी। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है गौतम सिंह जी, बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, ट्री पेनो सोमा आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, आकाश सिंह जी, अरविंद जी, संध्या जी, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोया है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सक्षम जी, एक आपका राइट आंसर है, क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए या केवल प्रचलन के लिए, या भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, या केवल आक्रमण के लिए। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेहा जी इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। चार विकल्प हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह होगा यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, तो सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है सी। देखिए अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्तर में मीठे जल के कीचड़ में पाए जाते हैं, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, तो यह आपके लिए बताना है, लुई पाश्चर या रोनाल्ड रॉन्स, डार्विन, मेंडल। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का गौतम सिंह जी, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो करंट का वीडियो भी आपका बहुत जल्द ही आने वाला है, अब आने लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर बी, रोनाल्ड रॉन्स। रोनाल्ड रॉन्स आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या किया जाता है यह बताना है, क्या किया जाता है। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे, तो क्या है इसका राइट आंसर कि जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है अरविंद जी, तो अकीला जी, तो वह आपके यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। सी में क्या है, देखिए यू प्लेक्टेला आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है, सी याद रखना है। यू प्लेक्टेला को वीनस के फूलों की डालिया कहा जाता है, इसी सुंदरता के कारण इसका उपयोग सजावट के काम में किया जाता है, जापान में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वीनस के फूलों को डालियों के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, डलिया, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, और 16 का आपका राइट आंसर है जो क्या है वह है विकल्प नंबर डी, यू प्लेक्टेला, अभी पढ़ा है आपने यू प्लेक्टेला याद रखना है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, वीनस के सॉरी स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या होगा, एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, यहाँ पर बड़ा छिद्र बताना है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑस्टिया या अस्कुलम या रेडुला या ट्रेकिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है क्या होगा, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, और रानी रजक जी, संध्या जी, पारू जी, आकाश जी, इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका विकल्प नंबर क्या है, बी। बिल्कुल सही, बी आपके यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है अस्कुलम। अस्कुलम आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, याद रखना है, बिल्कुल सही अस्कुलम। अगला क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटोजोया या पोरीफेरा, निडेरिया, एनिलीडा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी यहाँ पर। बिल्कुल सही अशोक जी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, निडेरिया। निडेरिया यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है निडेरिया, याद रखना है। सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूकर्ट ने 1847 ईस्वी में किया था, यह आपके लिए याद रखना है। इस संघ में लगभग 9500 जातियां हैं, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, तो तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा या कंगारू। और इसका जो राइट आंसर है वह है क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा हाइड्रा। हाइड्रा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी याद रखना है, बिल्कुल सही, सी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो हाइड्रा है इसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। देखिए, जल व्याल निडेरिया संघ का जंतु है हाइड्रा, इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है, पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहां से जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है, चार विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर बी। बी जिन्होंने बताया है सिलेंट्रेटा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सिलेंट्रेटा, अकेला जी सिलेंट्रेटा आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। प्रवाल भित्तियों या प्रवाल शैल श्रेणियों समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। वस्तुतः इन छोटे छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं, साधारण प्रवाल सेल श्रेणियां उष्ण एवं उथले जलभों सागरों विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित अनेक उष्ण अथवा उपोष्णी उपोष्ण देशीय द्वीपों के समीप में बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग है, तो हाइड्रा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है तो कौन सा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, सॉरी 22 है, 22 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22, क्या इसका राइट आंसर? हाइड्रा का प्रचलन अंग है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, बहुत कम लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया है, तो एक बार सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? हाइड्रा का प्रचलन अंग है, तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्या है? टंटेकल्स आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। सी होगा यहाँ पर सही आंसर, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? तो यह बताना है आपके लिए, प्रवाल क्या है यह बताइए। सभी लोग जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ, एक समुद्री जीव, या एक जड़ी बूटी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवाल क्या है यह बताना है, प्रवाल क्या है? और इसका जो राइट आंसर है, हाँ पवन कुशवाहा जी, हो जाएगी वो भी करेंगे स्टार्ट। तो प्रवाल क्या है यह बताना है, तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी, एक समुद्री जीव। बी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, एक समुद्री जीव। एक समुद्री जीव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गौतम सिंह जी, वो उसकी पीडीएफ बनानी पड़ती है, तो पीडीएफ हम रोज अभी डालते नहीं है, अभी जो है करंट का वीडियो नहीं आ रहा तो पीडीएफ भी नहीं बन रही उसकी। जब वीडियो डालते हैं तो उसकी पीडीएफ भी उसी में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर, एक समुद्री जीव। देखिए अगला क्वेश्चन है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो जेली फिश के नाम से क्या जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? पवन कुशवाहा जी, कांति जी, अकला जी, नितिन जी, सोनम जी, सक्षम जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अरेलिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। अरेलिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, सी रवीना जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री एनीमोन, एनीमोन के नाम से जाना जाता है, तो समुद्री एनीमोन के नाम से क्या जाना जाता है? चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर बताते जाएं क्या है इसका राइट आंसर। सोनम जी की समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा मेट्रीडियम, आपके यहाँ पर सही आंसर है डी, जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, स्पंज, हाइड्रा, कैचुआ, तिलचट्टा, तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग बताएं कि अमरत्व का गुण पाया जाता है, स्पंज, हाइड्रा, कैचुआ, तिलचट्टा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रानी रजक जी, गिरिजा, तो क्या है इसका राइट आंसर? गिरिजा जी। तो अमृतत्व का गुण पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा याद रखना है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रा याद रखें, हाइड्रा, हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? चिपटी कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर बताएंगे, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है? प्रियांक जोशी जी, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या है? वह है विकल्प नंबर एक, प्लेटी हेलिमेंथीज, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है कि फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? रवीना जी, अभिषेक जी, सभी
शिवानी जी, कांति जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, डी, जी के जी एस स्टडी पॉइंट वाई ए डी, जो आपका राइट आंसर है वह है डी, प्लेटी हेलिमेंथीज, याद रखना है आपके लिए विकल्प नंबर डी याद रखें। और देखिए, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है मधुमक्खी, केंचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट, चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा इसका राइट आंसर, कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है शिवानी जी, पारो जी, संध्या जी, वह आपका क्या है, नितिन चौहान जी, इसका राइट आंसर वह है सी, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, फीता कृमि, फीता कृमि आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया, पुष्पलता गौतम जी, उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, फीता कृमि एक अमीरू दंडी परजीवी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, त्वचा से या वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से? क्वेश्चन नंबर 30 और चार विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अमरजीत जी, क्या इसका राइट आंसर, सक्षम जी, कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर रुचि जी वह है क्या है, विकल्प नंबर बी, बी आपका राइट आंसर है, वातक तंत्र से, यहाँ पर याद रखना है। देखिए, अधिकतर कीटों में श्वसन की क्रिया वातक तंत्र से होती है, इस तंत्र में वायु नलिकाओं का जाल बिछा रहता है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लिए थे आज के इस क्लास में, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे।